माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। संत कबीर का ये दोहा अपने भीतर अध्यात्म का बहुत बड़ा मर्म समेटे हुए है। हालांकि कुम्हार को उन्होंने मात्र उदाहरण के तौर पर पेश किया था, बहरहाल आज जब हम दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं तो दीपों की बात भला कैसे भूल सकते हैं, और दीपों की बात कुम्हार के बगैर कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। आज के संदर्भ में जब इस वर्ग विशेष पर बात चलती है तो मशीनीकरण इसे जहां रौंदते हुए नज़र आता है, वहीं बढ़ती बेरोजगारी ने इस समुदाय की चाक से दूरियां इतनी बढ़ा दी हैं कि वे पुश्तैनी पेशे की तरफ लौटना नहीं चाहते। अब चंद लोग ही अपनी पुश्तैनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। बहरहाल यही वे लोग हैं जो आशावान हैं कि अब फिर से मिट्टी के बर्तनों का युग वापस आ गया है और लोग मिट्टी के बर्तनों को पसंद कर रहे हैं। आगे जनरेशन के लिए बहुत अच्छा काम है, क्योंकि बेरोजगार कोई नहीं रहेगा यदि खुद अपना काम करेंगे। इसमें हमें प्रॉफिट भी मिल रहा है काफ़ी। अगर इसमें आप कितने का बेच रहे हैं जी? जी हम 30 रुपये का बेच रहे हैं और ये 20 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है इसमें। और अपना बनाया हुआ बर्तन बहुत अच्छा है। तो आप ये समझते हो कि मिट्टी के बर्तनों की डिमांड बढ़ी है? हाँ, पहले से बहुत बढ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक्स सामान थोड़ा कम हो रहा है और हमारे बर्तन वो बढ़ रहे हैं। लाइटें वगैरह, दीपक वगैरह, चिराग वगैरह ज़्यादा बिक रहे हैं। इस बार दियों के पर्व पर मिट्टी के दियों की चमक बाज़ारों में देखने को मिल रही है। बाज़ार में मिट्टी के दियों की खरीदारी भी काफ़ी हो रही है। मैं यही सुझाव देना चाहूँगा और सब भारतवासियों से विनम्र आग्रह भी करना चाहूँगा कि आप मिट्टी के जो ये दीवे होते हैं इनका प्रयोग करें, क्योंकि ये जो हमारी धरा की जो मिट्टी है ये मांगलिक है और ये शुभ कार्यों में हमेशा इस्तेमाल होती आई है। मेरा सबसे अनुरोध है कि जो भगवान राम का स्वागत जो करें वो मोमबत्तियों से नहीं, आप मिट्टी के दीपक से करें, ताकि इसमें हमारा जो हमारे कुम्हार जाति के लोग हैं जो ये बर्तन तैयार करते हैं उनका जो धंधा बढ़ेगा और हमारे जो बेरोजगार साथी हैं आने वाले समय में ये एक बहुत रोज़गार के रूप में उभर कर सामने आएगा। और मुझे खुशी है कि इस बार मिट्टी के दीपक की बहुत ज़्यादा बिक्री हुई है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी जनता से सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि उनको मोमबत्तियों को नकारिए और इन मिट्टी के दीपक से प्रभु श्री राम का स्वागत कीजिए। बुजुर्ग लोगों ने कहा कि युवा पीढ़ी इस धंधे को छोड़ चुकी है और अगर वे इसे करती है तो उन्हें जगह जगह जाकर रोज़गार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुम्हार समुदाय से संबंधित ज्वाली निवासी हंसराज बताते हैं कि अब मिट्टी के बर्तनों का युग वापस आ रहा है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी तरह करमचंद ने भी अपने विचार रखे। ये तो हमारे दादाजी, हमारे पिताजी बनाते थे शुरू से लेकर, तब हमने काम सीखा, बुजुर्गों ने सिखाया, तब से कर रहे हैं। हमारा पिता पुरखी काम है ये। 1 किलोमीटर से मिट्टी लाते हैं, फिर इसको धूप में सुखाते हैं, फिर इसको कुट फंड के तैयार करना पड़ती है, छानना पड़ती है, फिर इसको मतलब के गारा बनाना पड़ता है, उसके बाद गले फिर हम पेड़े बनाकर तभी मतलब के बर्तन तैयार करते हैं। नहीं, कोई भी काम मिले तो करना ही चाहिए, फायदा भी, रोटी रोजी चली है हमारी, और इससे ज़्यादा नहीं होता। तो बच्चों को कहते हैं आप कि आप काम सीखो, ये नई नौकरी मिलती है तो काम सीखो करो, तो रोटी रोजी तो चले, लॉस तो होता है। मोमबत्ती वगैरह जब बाहर से आती है तो फिर गलत हमारे काम पर वो प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारा काम जितना पहले था उतना नहीं अब चलता है। बनाकर वो मार्केट में तो कभी मतलब के अंदाजा तो लगाया नहीं है, पर रोटी रोजी कुल मिला के चलती है।
सर एक दिन की बात नहीं होती है, ये एक दिन मिट्टी लाना पड़ती है, दूसरे दिन गल के इसको सुखाना, दो धूप लगाना पड़ती है, दो उसके बाद ये कुटना पड़ती है, फिर छानना पड़ती है, तीन चार दिन लगते हैं, तो उसके बाद बर्तन भी तीन चार दिन, आज उतारने हैं तो दो तीन दिन लग जाते हैं इसको तैयार करने के लिए। अरे बहुत फड़ी हो आजकल कमाई की राजी नहीं वो गंग था। तो कितने में बेचना आपने, कितने में खरीदा, कितने में? 100 रुपये में हूँ आधा भी अपना ढिड बालना का खर्चा दिहाड़ी कुर्ती है ये भी बेची हो ना। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ज्वाली से सुनील दत्त की रिपोर्ट।